हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम एक आयुर्वेदिक दवा के ऊपर लेके आए हैं जिसका नाम है सुपारी पाक। दोस्तों, मार्केट के अंदर सुपारी पाक काफ़ी कंपनियों की अवेलेबल है, जैसे कि डाबर, हमदर्द, कुमार, बाबा आयुर्वेदिक, इसके अलावा काफ़ी अन्य कंपनियों की आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या पैकिंग अवेलेबल है और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो सुपारी पाक है वो 100 ग्राम की पैकिंग के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर 38 तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ डाली गई हैं, जैसे कपूर, तेजपत्ता, नागरमोट, बादाम, पिस्ता, पुदीना, पीपल, अजवाइन, सफ़ेद जीरा, छोटी इलायची, तलिश पत्तर, वसलोचन, बिनोला, लौंग, धनिया, सिंगाड़ा, शतावर, नागकेसर, जावित्री इत्यादि। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फायदे बारे में। दोस्तों, जो सुपारी पाक है वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों को दिया जा सकता है। स्त्रियों को किसी प्रकार की प्रदर रोग हो उसमें इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। प्रदर रोग जैसे कि लुकोरिया, सफ़ेद पानी आना या पेट में दर्द रहता है तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, ये एक पौष्टिक दवा है जो कि लेडीज़ के पेट के अंदर दिक्कत हो, जैसे कि PCOD की, सिस्ट की, बाहर पड़ने की अगर शिकायत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी गुणकारी है। ये एक औषधि के रूप में काम करती है और चेहरे का पीलापन है उसको दूर करती है, तनाव को दूर करती है, खून बढ़ाती है और कमजोरी दूर करती है। इसके अलावा ये शरीर की गर्मी को दूर निकालती है, जिसके लक्षण हो जाते हैं कि नाक के अंदर खून आना, बवासीर जिसके अंदर खून आते हैं, पैरों के अंदर जलन होती है या शरीर के अंदर काफ़ी गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, इसके अलावा ये बच्चेदारी को बल प्रदान करती है और एक एनर्जी टॉनिक रूप में काम करती है। इसके अलावा पुरुषों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कि शीघ्र पतन हो जाता है, कमजोरी रहती है, अगर सेक्सुअल वीकनेस है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में शरोमा की दिक्कत आती है, जिसके अंदर अपने आप पानी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। दोस्तों, इसका जो लेने का तरीका होता है वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को आपको गाय के दूध के अंदर मिला के लेना है। इसके अलावा आपको किसी मेडिसिन के ऊपर कोई रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।